हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गोल नेक पे किस तरह से पाइपिंग लगाई जाती है, जो हमारी कुंभ पाइपिंग होगी इसी को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे आप अपने आप भी पाइपिंग बना सकते हैं रेप पट्टे से, और बाज़ार से रेडीमेड पाइपिंग भी मिलती है। मैंने यहाँ पे बाज़ार से रेडीमेड पाइपिंग का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो उसे घर पर बना लें। इस तरह से मैंने अपना नेक कपड़े के साथ अटैच कर लिया है, और यहाँ पे देखिए जिस तरह से आपको शो हो रहा है सिलाई कहाँ लगानी है, एकदम बुकरम के साइड साइड में मैंने सिलाई लगा ली ही है। देखिए इस तरह से नेक किस तरह से बनाया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, बस इस वीडियो में मैं आपको पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी, इनविजिबल पाइपिंग। जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है वहीं पे आपको इस तरह से पाइपिंग रखनी है। पाइपिंग हमें बाहर की साइड रखनी है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से रखेंगे। ये देखिए सिलाई है, इस सिलाई के ऊपर हमें पाइपिंग रख के एकदम जितनी आपको बाहर की साइड शो करनी है कि पाइपिंग कितनी बाहर निकालनी है, उतनी आपको बाहर निकालते हुए हमें रखनी है। ये देखिए इस साइड हमें बाहर रखनी है। इस तरह हमें जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर वो सिलाई आएगी, और उसको जिस शेप में आपने पाइपिंग लगानी है सेट करते हुए लगाएंगे। यहाँ पे हम राउंड नेक पे पाइपिंग लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से जो बिगिनर है वो थोड़ा थोड़े कपड़े पे देखते हुए पाइपिंग को लगाएंगे। ध्यान रखें कि हमें सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, सिलाई से आगे पीछे हो गया तो वो आपकी नेक की शेप बिगड़ जाएगी। इस तरह से आप धीरे धीरे लगाएं, और पर ध्यान रखें हमें पाइपिंग वाला जो कपड़ा है उसे खींचते हुए नहीं लगानी, नहीं तो आपके झोल पड़ जाएगा और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। देखिए इस तरह से यहाँ से हम एक्स्ट्रा काट देते हैं। अब देखिए ये देखिए मैंने ऊप लगाई, अब हमें अपनी कमीज़ का सेंटर लगाते हुए यहाँ पे लगाना है। जहाँ पे हमने पाइपिंग लगाई थी वो हमारा सीधी साइड पे आएगा। देखिए सीधा हमारे कमीज की कुर्ती की कपड़ा भी सीधा है, और नेक को भी हमें इस तरह से रखना है जैसे नॉर्मल नेक बनाते हुए हम रखते हैं, और पाइपिंग नीचे की तरफ आएगी। ये देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे, और जहाँ पे आपने सिलाई दिखाई दे रही है उसी के ऊपर हमें सेट करते हुए सिलाई लगानी है, जिस तरह से आप दूसरे नेक की सिलाई लगाती हैं। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपना कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये देखिए इस तरह से मैंने नेक पे, ध्यान रखिए जो बुकरम है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो कपड़ा अच्छे से नेक का नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग वहाँ दिखेगी। अब मैं आपको एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे, ज़्यादा कपड़ा रख के नहीं कटिंग करनी, थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के ही कटिंग करनी है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो कपड़ा अच्छे शेप अच्छे से सेट नहीं होगी। इस तरह से ये देखिए आपको यहाँ पे पाइपिंग दिख रही है ना कितनी, इसको हम प्रेस आयरन करके इसको सेट कर लेंगे, और आप चाहे तो ऊपर एक सिलाई भी लगा सकती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे प्रेस करने से पहले, ताकि वो हमारा अच्छे से फोल्ड होए। अब यहाँ से फोल्ड करते हुए हम अच्छे से आयरन कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे आयरन कर रही हूँ, इससे आपकी गले की फिनिशिंग अच्छी आएंगी। जो हमारे टेलर्स होते हैं वो भी इसी तरह से आयरन कर करके बनाते हैं। ये देखिए आपको पाइपिंग जितनी शो करनी है, जितनी बाहर पाइपिंग निकालनी है उतनी पाइपिंग बाहर आ गई है। देखिए बैक से कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। इसी तरह से हम आगे से भी दिखाते हैं। ये देखिए इसी तरह से। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।